भारत में किसानों में एहतजाज में शिद्दत आ चुकी है और क्या ये एहतजाज उस खालसा तहरीक को बढ़ावा आगे दे रहा है? भारत में क्या वाकई उनकी तकसीम शुरू हो गई है? मोदी सरकार की बुरी तरह नाकामी और सिखों का एक नए अंदाज में एहतजाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइव विद सैबी काज़मी। नाज़रीन, भारत में इस वक्त किसान तहरीक जो है अरूज पर है, हत्ता के इंग्लैंड और कनाडा में भी सिख सरदार बच्चे एक नए अंदाज में एहतजाज करें। सोशल मीडिया के स्टार बच्चों को जिनके फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे फेसबुक पर बहुत बड़ी फॉलोअरशिप है, उन बच्चों को भी इस किसान तहरीक या सिखों की तहरीक की पॉलिसी का हिस्सा बनाया जा रहा है। और क्योंकि आपको याद होगा हिंदुस्तान ख़ुद को एक सेकुलर स्टेट के तौर पर तारुफ कराता है, लेकिन हकीकत में जो किसान तहरीक जो है उस वक्त काबू से बिल्कुल बाहर हो गई है। लाखों किसानों का धरना 50 रोज से जारी है और किसानों ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मुस्तरद कर दिया। मोदी किसान के तलबात किसी सूरत मानने को तैयार नहीं। आइंदा हफ्ते ट्रैक्टर मार्च होगा और 26 को भारत के यूमिया दिन पर किसान ट्रैक्टर समेत दिल्ली में दाखिल होंगे। और सिख फॉर जस्टिस मूवमेंट ने ऐलान किया कि इंडिया गेट पर खालिस्तानी परचम लहराने वाले को लाखों डॉलर इनाम मिलेंगे। पंजाब में अकलियतों पर जुल्मों सितम बढ़ रहा है। गुलकार सियासतदान जवाद अहमद जो उन्होंने भारत समेत दुनिया भर के एक इनकलाबी गाना भी उन्होंने ज़ाहिर यकजहती में रिकॉर्ड किया। अब ये गाना जो है किसान तहरीक में बड़ा पॉपुलर हो चुका था। अब कहेंगे जी देखो हमने तो कहा था कि इसके पीछे पाकिस्तान है। आगे एक सिख की वो मस्जिद के अंदर वीडियो आपको पता है तस्वीर आई तो उन्होंने कहा ये देखें जी ये तो वहाँ से आ रहे हैं, इनको तो पाकिस्तान फोबिया चुके हो रहा है, तो इनको हर चीज़ का कसूरवार पाकिस्तान ही नज़र आ रहा है। अब सिख एक मुसलमान नमाज पढ़ रहा है सिख टर्बन में, वो उन्हें बुरी लग रही है। लेकिन इन्हें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर आप जितना भी अपने किसानों पर अपने लोगों पर जुल्म करेंगे वो आगे बढ़ेगा नहीं। अमित शाह जैसे सफाक वजीर दाखला के आपके अहकाम, पुलिस की शेलिंग, आंसू गैस और सबसे बढ़कर इस सर्दी में यार वाटर कैनन, खुदा का खौफ भी नहीं है और सर्द बुछाड़ों के साथ इन लोगों का इस्तेहसाल किया जा रहा है, मगर मुतालबात तस्लीम करने तक ये लोग डटे रहेंगे। इनके एहतजाज के 48वें दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को तीनों ज़रई कानून की अमल दरामद पर रोक दिया है। ये चार रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई कि जिसके सामने हुकूमत और किसान मुश्तरक हल के लिए पेश होंगे। किसान लेकिन इस फैसले से खुश नहीं है। किसानों की जो यूनियन है वो चाहती है कि कानून की अमलदारी को रोकने की बजाय इस कानून को ख़त्म किया जाए, कि वो चाहते हैं कि वो किसी कमेटी में हम नहीं मानते, ये कानून खारिज होने तक हम एहतजाज नहीं झुकेंगे। यही वजह है कि भारतीय किसानों के एहतजाज में शिद्दत आ गई और लेवाड़ी फेस्टिवल के दौरान जो ज़रई कवानीन की कापियाँ हैं वो फाड़ कर मुँह पर फेंकी गई। लाल किले पर खालसा झंडा लहराने का ऐलान किया गया। धरनों के दौरान किसानों ने काले कवानीन की जो फाड़ कर लेवाड़ी का मेला मनाया और मोदी सरकार के खिलाफ और मजदूर किसान के हक में बहुत नारे लगे और ये कहा गया कि भारतीय किसानों को राम करने की बजाय आप ये ओछे अटकंडे इस्तेमाल करने की बजाय उनके एहतजाज पर गौर करें। अब देखिए सिख आर्मी ऑफिसर की ये इतला है कि धरने में रॉ के अफसरान भी पहुंच गए। किसानों ने दो भारतीय रॉ के अफसर पकड़े और फेंटा भी दिया उन्हें। फिर किसान के कुछ साथियों को खरीदने की कोशिश वगैरह भी। अब ये जो रॉ के जो अफसरों को पकड़ कर सिख किसानों ने फेंटा देने के बाद नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। भारतीय मीडिया उन्हें नफसियाती दौ में लाने की कोशिश कर रहा है किसानों को, कि बार बार कहा जा रहा है कि जिनको गद्दार तंजीमें सपोर्ट कर रही हैं, इनको तहरीक चलाने वाले जो गैर मुल्की ताकतों के इशारे पर कह रहे हैं। भाई गैर मुल्की ताकतें कहाँ से, इन बेचारों के मसले देखें। अब बार बार वही पाकिस्तान फोबिया। अब भारत में तो उसका हक है, देखें इनको किसानों का आप हक छीन रहे हैं। हिंदू सरमायादार बनने वाले जो लोग हैं उनके सामने अगर ये गरीब किसान डट गया है तो इसे कैसे आप कह सकते हैं पंजाब और हरियाणा वालों की, वहाँ से वो लोग ट्रेनें बंद कर रहे हैं, आपके वो लाल किले पर अगर खालसा परचम लहराने की बात आज कर रहे हैं तो उसकी वजह क्या? आप ये देखें उसके इनके एहतजाज के पीछे जुल्म और ज़बर और वो उनके जो उनके मुँह से नवाला छीनने की ये तहरीक है, इसलिए वो गुस्से में आ रहे हैं। इसीलिए खिलाड़ी हों, गुलकार हों, अदाकार हों, सब के सब हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। तहरीक आज़ादी के तौर पर दौरान भी आपको याद होगा कि नहीं, गलत पॉलिसियों की इसी तरह मजम्मत की गई। अच्छा, कैज़ा मोहम्मद अली जिनाह की बड़ी तारीफ की लोगों ने। कई लोग तो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। वो साफ लगता है कि पंजाब जो है वो भारत की जो गिरफ्त है उससे ये ज़रई असलाहत के पीछे जो मोदी साहब अपने दोस्तों को ख़ानदान को नवाजने की कोशिश करते हैं, पंजाब इनके आसे जा रहे हैं। अमरीकी और इसराइली कंपनियों को ये यहाँ पर ज़रई कारोबार देकर एक नया सिस्टम बनाना चाह रहे, छोटे छोटे मासूम किसानों को बेचारों को पैदावार उनकी लेकर छीन के मल्टी नेशनल्स को दे रहे हैं बाहर से बुलवा के। हिंदुत्व की तहरीक को मुसलमानों को दबाने की पहले कोशिश करते रहे, अब सिखों की तरफ वो उनका ध्यान चला गया। तो ये सारे भारतीय इंतहा पसंद ये जानते हैं
कि कोई ना कोई जो है कुव्वत है वो हिंदू सुप्रमेसी के मुकाबले में ना रहे और हमेशा हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्रीय बनाया जाए। मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही आपको याद है मुसलसल कानून साधी उनकी, मुसलसल हरासा करते रहे, और मतलब कभी इन्होंने कोई जहाद की चीज़ें निकाल नहीं, कभी इन्होंने क्या मतलब हिंदू मुस्लिम माशरे के जो ताल्लुकात थे वो इन लोगों ने ख़राब कर दिए सियासी लोगों ने। आपको पता है वरना हिंदू मुसलमान सिख ये लोग रहते थे। अब सिख हिंदुस्तान की एक बड़ी कम्यूनिटी है, ये मुनज़म भी हैं, तालीम याफ्ता भी हैं, और दो हफ्ते से देखें इनका कितना मुनज़म एहतजाज है, अपने नारों और तरीक़ेकार से पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने मुतासर किया, पूरी दुनिया में इनकी आवाज़ जो है इस वक्त पहुँच चुकी है, चाहे वो कैनेडा का वज़ीर आज़म हो, चाहे वो यहाँ इवन ऑस्ट्रेलिया के सेनेटर्स हों, चाहे अमेरिकन में हो, जहाँ मतलब मोदी हुकूमत जो है इसको बहुत प्रेशर में है। बरतानिया की पार्लियामेंट में एहतजाज हुआ है और वहाँ पे देखें किसानों के लिए आवाज़ उठाई। एक सिख रहनुमा ने अभी कहा कि कश्मीर का बॉर्डर हो या चाइना का, जहाँ भी सीना तान कर बात करने की बात सिख रेजिमेंट को भेज दिया जाता है, मतलब उन्होंने मरवाने के उन्होंने सिख रखे हुए RSS उधर आगे जाएँ जी, आप उधर जाकर मार खाएँ, अब उनके सीनों में वो इधर से जब बेचारे उनके पेट का मसला है तो उनके पेट पे लात मार दी जाती है। तो इस एहतजाज की एक ख़ास बात यह है कि इसमें सिख और मुस्लिम इत्तेहाद बहुत ज़्यादा है, दोनों बेचारे पिसे हुए हैं, दोनों के साथ जुल्म होता रहा, दोनों को आपको पता है फेंटा लगा बहुत बहुत बड़ा बड़ा। तो अब ये लंगर लगाए जा रहे हैं, मुफ्त खाने दिए जा रहे हैं, मुसलमान नमाज़ें वहाँ अदा कर रहे हैं, और मज़े की बात है कि इनकी जब मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं तो सिख उनको घेरे में ले लेते हैं, क्योंकि हिंदुत्व का एक वो एक अकलियत से पहले निमटना चाहते हैं, उन्हें खतरा भी है इन बेचारों को, उधर सिखों को भी खतरा है, मुसलमानों को भी खतरा है। इसके बाद देखिएगा, आप याद रखें दलितों के बेचारों की बारी भी आएगी, उसका हालांकि आगाज़ हो चुका है, आला नस्ल के जो हिंदू हैं उन्होंने भी बेचारे दलितों के साथ कुछ किया था वहाँ, जो आपको सारा वाकया पता है, बच्ची के साथ जो ज्यादती हुई और फिर उसकी जो भी वो दुखी कहानी है, मैं वो इसमें कहाँ शुरू कर दूँ सियासी उसमें, लेकिन आपको वो सारा केस याद होगा। अब अगर सरकार को किसानों से अगर इतनी हमदर्दी होती तो इनके पहले कर्जे माफ़ करते हैं, फिर उनकी हज़ारों की तादाद में जो देखें किसान अपनी जानों से जाते हैं, तो वो अब बार बार कह रहे हैं, बार बार एक बड़े सिख लिखारी ने भी लिखा कि कायदे आज़म ठीक आखदा सी, मतलब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उसको बिल्कुल दुरुस्त कहते थे, और उसको मालूम था कि बाबाए कौम ही ये बात कह रहे हैं कि अल्लाह ताला वतन अजीज़ को महफूज रखे। वो दो कौमी नज़रिया यही था कि जहाँ आप अपनी मर्ज़ी से अपने मतलब कारोबार कर सकें, अपनी ज़िंदगी के मज़ीद जो मामलात हैं वो डील कर सकें, अपने मज़हब पर पैरोकार हो सके, आपका जो मज़हब हो जिस तरह हो अकलियतों के लिए, तो वो दो कौमी नज़रिए के बारे में आज सिख कह रहे हो तोड़ा कायदे आज़म ठीक आखदा सी। तो ये बात आप याद रखें, कायदे आज़म दुरुस्त फरमाते थे, और जिन लोगों को अभी भी बहुत सारे लोगों को दो कौमी नज़रिए से बड़ा मसला है, वो अक्सर बेशतर बातें करते हैं अखंड भारत की और बड़ा अच्छा था जी हम इकट्ठे थे, हिंदुओं के साथ कोई मसला नहीं है एज़ अ कम्यूनिटी, वो लोग बड़े अच्छे लोग बड़े बेहतरीन लोग भी हैं। अब मसला उनकी सरकार की ज़हनियत का मसला है, ये मसला है जो अकलियतों को इस वक्त जीने नहीं दिया जा रहा, और इसी मसले को दुनिया देख रही है क्या हो रहा है। वीडियो को काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।